Masukkan serabut ke dalam. मौलाना जी अली जनाब अय्यूब रहमानी साहब जुमोत शिकन छोटा कर टोला फगन बजात खुद अंजुमन हमारे सरपरस्त और कायद अली जनाब शेख रशीद साहब से लेकर आसिफ शेख रशीद साहब पर आसिफ शेख रशीद साहब से लेकर कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान जिम्मेदारान से लेकर मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां के आसन मैं इस उम्मीद के साथ अपनी मार उतार पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप संजीदगी के साथ दिल पर हाथ रख के अपनी बात की मेरी बातों को सुनेंगे और फैसला करेंगे क्योंकि फैसला आपके हाथों में है, वक्त आपके हाथों में है, मनसब अदा करने की जिम्मेदारी आवाम के हाथों में है। आगे चलकर कौन एमएलए रहेगा, कौन शहर की लियाकत करेगा और क्यों करेगा, इसका फैसला इस शहर की आवाम को करना है। मैंने गुज़िश्ता दिनों फतेह मैदान के स्टेज से पूरे शहर को एक पैगाम देने की कोशिश की, पूरे शहर पे सवाल दिया मैंने मुफ्ती साहब के ताल्लुक से। मैंने एक बात शहर के लोगों से शेयर की और ये बताने की कोशिश की कि हम किस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जा रहे हैं। जज्बातियत, बिरादरीवाद, असबियत, रिश्तेदारी, दोस्ती, करावत, ये तमाम चीजें अपनी जगह, मगर हमारा मोमिन होना अपनी जगह। सबसे पहली जिम्मेदारी मुसलमान होने के ताल्लुक से हमारी ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन कभी एक बिल से दो मरतबा नहीं डसा गया। हम 2009 में डसे जा चुके हैं, हमने देख लिया आपके हाथ में कयादत देकर। मैंने आपके सामने आपसे किया कि कुरान कह रहे कि अमानत अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ से फैसला करो। अब हमारे सामने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दामत बरकात उनका 5 साल 2009 से लेकर 2014 तक का ये भी है, आसिफ शेख रशीद साहब का 5 साल भी हमारे सामने है, दोनों की कारकर्दगी हमारे सामने है, दोनों का काम हमारे सामने है, दोनों की शख्सियत हमारे सामने है, दोनों का कॉल ऑफ फेल हमारे सामने है। आवाम को फैसला करना है कि इस मरतबा इलेक्शन में कौन हकदार है हमारी वोटों का, इंसाफ करना है। ये संबंध देखो गर्दी किधर हो रही है, क्या हो रहा है, आज बहुत सारे इंसाफ पसंद लोगों को तश्वीश है कि यूनुस दादा भी उधर है, जनता दल वाले भी उधर है, गर्दी होते जा रहे, मेला लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, नट्टे लट्टों का मेला, कौन गुरु कौन चेला, सब गुरु बन गए। तो ये हाल है आज हमारे शहर में। तो मैंने आपके सामने आज किया था ये बात, और मुफ्ती साहब से मैंने सवाल किया था कि मैं आपको वोट क्यों दूं, ये मेरा शहर, ये मेरे शहर के लोग, ये मस्जिदों मीनारों के शहर के रहने वाले, ये उलमा की बस्ती, ये मदारिस का शहर, ये मसाजिद का शहर, ये आपको वोट क्यों दे, जरा उसका सवाल का जवाब तो दीजिए। अहल होना शर्त है, वोट के हकदार होने के लिए अहल होना शर्त है, ये एक लफ्ज है, आप एक मिनट में इसकी तशरीह समझ लें। कौन आदमी अहल है, सच्चा हो, पहली शर्त सच बोलने वाला हो,
हजरत कितना झूठ बोलते हैं ये हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। गलत बोल रहा हूं मैं, अमानतदार हो। उन्होंने 5 साल हमने एमएलए बनाया, उन्होंने अमानत का कहां तक हक अदा किया ये आपको पता है? असेंबली हाउस में गए नहीं। क्या काम था उनका? वहां पर जाते, वहां पर बैठते, वहां पर हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, मुसलमानों के लिए, तलबा तालबा के लिए क्या पॉलिसी बन रही? जाते वहां पर देखते, नुमाइंदगी करते। गए नहीं हजरत वहां पर। पहले ही दिन मामला ऐसा हो गया, वसंत गीते के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया हुआ, आसिम आजमी साहब के ऊपर। इन्होंने पहले ही दिन देखा, गाँव के विनय कोरे के पास गए, विनय कोरे ने मुतरी की तरफ निशान लगा दिया, भाग के छुप गए उधर जा। वो दिन था 5 साल तक जाने का, दस्तखत करने का, 2 मिनट तक ऐसे आप जाके बैठते गए जैसे किसी की मेहंदी में आए, और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद अपना सब बोरिया बिस्तर उठाने का, रुमाल उमाल और निकल जाने का। भाई 5 साल तक यही चलता रहा। तो अमानतदारी आपके अंदर कहां थी, कहां है? क्या आपने अमानतदारी बताई हमें? आपको एक अमानत दी गई, आपने ज्योति भोसले को दे दी। दोबारा आपको अमानत का हक अदा करने का मौका मिला, गिरीश बोरसे को दे दिया। क्या क्या नाम उसका? नरू। कोई नहीं मिला उनको मालेगांव में अहल। नरेंद्र सोनोने को नायब मेयर बना दिया। नदिया के उस पार रहने वालों को तुम ओहदा दे रहे हो, कौन सी अमानत का तुमने हक अदा किया? कौन सी सलाहियत है आपके अंदर? कौन सी अहलियत है? आपने कौन सा 2007 में आप सियासत में तशरीफ लाए? आपने कौन सी छाप छोड़ दी सियासत में मालेगांव की? कौन सी तब्दीली ले आए? कौन सा नया काम आपने करके बता दिया? आपने बार बार अपने फैसलों को बदला, आपने बार बार पार्टी बदली। कैसे पार्टी बदलती है पता है? जब पुलिस किसी को दौड़ाती है तो आदमी क्या करता? वो भागता, जो घर पहला खुला मिलता वही घर में घुस जाता। जिसका घर है क्या है अंदर गांव में तो क्या होगा? पुलिस दौड़े वाले जो घर खुला मिला उसमें ही भाग गए। बताओ बिन पहने का लोटा नौ मरतबा इन्होंने पार्टी चेंज की है। कल यासीन शेड़ और मैं बैठ के गिन रहे थे तो 6 पार्टी में 9 मरतबा गए, तीसरे महल में 3 मरतबा गए, तीसरे महल में खुद 3 मरतबा तीसरे महल में पलट पलट के गए। 6 पार्टियां बदली उन्होंने 2007 से आज तक। साबिर सरकार के एमएलए थे, उन्होंने भी कोई काम किया, शहर कैसे बसेगा बताया। हारून अहमद अंसारी ने हजार खोली की बुनियाद रखी, आयशा हकीम ने मालेगांव फिल्टर प्लांट दिया, शेख रशीद साहब ने गिरना डैम स्कीम दी, आसिफ साहब ने उर्दू घर से लेकर कितने बड़े बड़े कार्य नुमाया अंजाम ने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन एमएलए साहबान को इन कामों से याद किया जाएगा। मुफ्ती साहब आपको हम इन कामों से याद करें, जरा इसका भी जवाब दे। गंदी मार अंदर आकर खिताब आपने लाया, जाहिर सी बात है कि गंदी मार अंदर का खिताब हम दोबारा अपने शहर के ऊपर ये धब्बा लगने नहीं देना चाहते। किसी भी तरीके से हम इसके लिए तैयार नहीं है। मजबूत लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं मुफ्ती साहब, और आप इतने कमजोर हो कि दुनिया के डर से बार बार अपने फैसले बदलते हैं। क्या बात है, का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े बड़े डाकुओं का पैर पकड़ लिया। यही हुआ है, पहले किसी को खराब बोलना, फिर उसके बाद देखो मेरा एक दोस्त कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती साहब से ना मेरा कोई साथी झगड़ा है, ना दुश्मनी है, ना हमको किसी से दुश्मनी रखना है, कोई झगड़ा नहीं है आपसे, कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप कांग्रेस को बुरा भला बोलते हो और उसके बाद कांग्रेस की बरकरी करते हो। आप शरद पवार को मनहूस लीडर बोला आपने, उसके बाद मेरा दोस्त कह रहा है कि देखो जिसको बुरा वो बोल रहे हैं बार बार उस अल्लाह तबारक तआला जलील कर रहा है और उनके तलवे चाटने पर मजबूर। शरद पवार को मनहूस लीडर बोला और उसके बाद
एनसीपी में जाकर शरद पवार के तल के चाटने लगे। आपने सदुद्दीन अवैसी को गद्दार कहा और उसके बाद उसकी पार्टी में जाकर उसके तल में चाट रहे हो आज आप। जिस कांग्रेस का बुरा भला आपने कहा, कांग्रेस के अंदर कितनी मतलब तुमने वर्करी की है, जरा इसका हिसाब लगा लो। तो दोस्तों ये हालात इनके हैं। मैं मुफ्ती साहब आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताओ, हमें जवाब दो कि हम आपको वोट क्यों दें। आप इस सवाल का जवाब जब तक नहीं देंगे हम आपसे सवाल करते रहेंगे, इसलिए कि ना अहल को जब ओहदा दिया जाएगा तो कहते हैं कि जब ना अहलों को इंतजार दिया जाएगा, ना अहलों को ओहदा दिया जाएगा, तो कयामत का इंतजार करो, कयामत का इंतजार करो कि कयामत आ सकती है उसके बाद। इसलिए दोस्तों हमें आसिफ साहब को वोट देना है, आसिफ साहब के कामों को सामने रखना है, ज्यादा से ज्यादा औरतों से उनको चुन कर लाना है और इस तरीके से आसिफ साहब को इस शहर की बात को दोबारा सौंपना है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। एक जज्बाती पार्टी को साथ लिए, उसके परचम को लिए एक वोट मांगने निकले। हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि अवैसी बरादरान जिस तरह से हिंदुस्तान भर में जज्बाती तकरीर करके मुसलमानों को उलझा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम इकट्ठा हो रहा है। ये जितना मुसलमानों के हक में बोलते हैं जज्बाती होकर, उतना इस देश का हिंदू इकट्ठा हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। हम कहां कहां अक्सरियत में, आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ मालेगांव शहर ऐसा है जहां पर मुसलमान अक्सरियत है, लेकिन चालाकी से इस शहर को भी दो हिस्सों में बांटा गया। आजादी के बाद से इस शहर में मुसलमान एमएलए हुआ करता था, लेकिन दो हिस्सों में बांटने के बाद इस शहर से अब दो एमएलए जा रहे हैं, एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम। ये हमारे इस शहर के साथ जो कुछ किया गया ठीक नहीं था। उसमें ये हजरत आ गए जज्बाती बात लेकर, हमारे यहां मुशावरत चौक पर आए वो औरंगाबाद के एमपी जो बनकर आए हैं, चुनकर आए इम्तियाज जलील साहब, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि दो साल कब्ल जब औरंगाबाद में फसाद हुआ, पुलिस ने जो नंगा नाच नाचा औरंगाबाद में, व्हाट्सएप के जरिए लोगों ने देखा। आप तमाम ही लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब अगर आपके दर पर आए वोट मांगने, तो आप उनसे ये सवाल करिए कि जिस पार्टी में आप गए हो, जहां से आप उम्मीदवारी कर रहे हो, और इस शहर में जिस एमपी ने आकर आपकी हौसला अफजाई की, आप मुफ्ती साहब से सवाल करिए कि औरंगाबाद के फसाद में क्या किया इम्तियाज जलील ने, कौन से पुलिस वाले को सस्पेंड करवाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ये सवाल करिए उनसे, औरंगाबाद के एमपी से, वो एमएलए थे ना, क्या किया उन्होंने। पूछिए कि जो अवैसी साहब आपके बीच में आने वाले हैं, आप जिनकी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं, हैदराबाद में चार मीनार के नीचे जो मंदिर बना दिया गया, उसके बारे में उन लोगों ने क्या किया। सिर्फ बीजेपी की सीमा पर जज्बाती इशू लाकर, जज्बाती बात करके मुसलमानों को वरगलाना और हिंदुओं को एक करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 21 अक्टूबर के होने वाले चुनाव में आप अपना कीमती और कांग्रेस के उम्मीदवार शेख आसिफ साहब को, जिनका निशान पंजा है, उस पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और बता दें कि ये शहर हमेशा सेकुलर रहा है और सेकुलर रहेगा। इस शहर पर फिरका परस्ती का लेवल हम लगने दें। मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद भी इस शहर पर कभी मुस्लिम फिरका परस्ती का लेवल नहीं लगा और इंशाअल्लाह आप भी नहीं लगेगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात कर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।